नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है, खुद के बनाई पिंजरे से बाहर निकल। तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको मिलाना चाहते हैं एक ऐसी शख्सियत ही कहूंगा, पूजा बिश्नोई से, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल इन दी सेंस इसलिए कहूंगा कि उनका साइंस बैकग्राउंड था और एज ए टीजीटी साइंस के रूप में उन्होंने हाल ही में सिरसा में ज्वाइन किया है। क्या रही उनकी यात्रा, आपने बहुत से इंटरव्यू देखे होंगे, पॉडकास्ट देखे हुए होंगे, लेकिन एक स्ट्रगल जो जमीन से जुड़ा हुआ पॉडकास्ट उसमें से एक रहेगा। सबसे पहले वेलकम पूजा मैम। तो आज हमारे बच्चों को आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप उनको मोटिवेट करेंगी कि कैसे लाइफ में आपके सामने कोई भी परिस्थिति हो उस पे आप आउटकम कैसे कर पाओगे, कैसे उन परिस्थितियों का। एज ए लड़की, अगर हमारे समाज में आज भी देखें, लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं मिल पाती जितनी हम लड़कों को या हम बेटों को मिलती है। तो स्टार्टिंग से मैम, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बच्चों को बताओगे? बिल्कुल सर, मैं सर भड़ाना गांव की रहने वाली हूँ और मेरी छठी तक की शिक्षा वहीं तक की रही है। सिक्स क्लास तक हिंदी मीडियम स्कूल में, सीनियर मॉडल हाई स्कूल है, वहाँ के एमडी सर हैं, ठीक है, ओम प्रकाश बिश्नोई सर, ठीक ओके है। okay. उन्होंने बड़ी हेल्प करी सर, बचपन में हिंदी मीडियम में ही था हाई स्कूल, लेकिन बड़ा अच्छा वहाँ के टीचर्स, मेरे गाँव के टीचर्स जो थे आज भी मुझे याद है, उन्होंने बड़ी मेहनत करी मुझ पर, शायद वहीं से मेरी जड़ें मजबूत बनी, ठीक है। ग्रेट। और जिद्दी सर मैं हमेशा से रही हूँ, ठीक है। तो फिर मेरे फादर को भी लगा, जो कि हालांकि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं आज इस चैनल के माध्यम से भी अगर ये वीडियो मेरे फादर तक पहुंचे तो मैं शायद दिल की गहराइयों से उनको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इतने कम पढ़े लिखे थे, फिर भी वो गांव में पढ़े लिखे लोगों के पास जाते थे, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते थे, जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास जाते थे कि जी हमारी बेटी पढ़ना चाहती है और इंटेलिजेंट है, आप उसको बताएं वो आगे क्या करे क्या नहीं करे। मतलब वो खुद नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए हर मुमकिन कोशिश करी जो वो कर सकते थे। तो ये संदेश उन मम्मी पापा के लिए स्पेशली है जो किसी के समाज के दबाव में आकर अपनी बेटी को कहते हैं कि वो बाहर जाकर क्या करेगी। तो स्पेशली मैं हमेशा, पूजा मैम, हमारे स्टूडियो में जब भी कोई लड़की जॉब लग कर आती है तो मेरे को ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि लड़की के जॉब लगने से समाज में परिवर्तन आता है और लड़के के जॉब लगने से उतना परिवर्तन परिवर्तन आता है उतना नहीं आता जितना लड़की के लगने से आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका साइंस बैकग्राउंड था और आप पहले, आप बता रहे थे कोटा भी गए थे, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताना चाहो। बिल्कुल सर, मैंने जो मेरी सिक्स के बाद की स्टडीज थी, मैंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम जंप करा, क्या बात ठीक है। उसके लिए भी मेरे गांव में मुझे अच्छी ट्यूशंस मिली और मैं वो भी कहना चाहूंगी, स्कूल में मिशन एजुकेशन नाम के एक चैनल के सुनील डायरेक्टर राय है का सर। सुनील राय का सर, बड़ी मतलब ऐसी शख्सियत है पूछो मत, मतलब उनके लिए तो सैल्यूट के अलावा कोई और वर्ड निकलता ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी, मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गई, उन्होंने हर मुमकिन प्रयास मेरे पे करा। फिर मैंने अपनी स्टडीज जो है डीएवी से करी, 10th मेरी डीएवी से रही है। उसके बाद मैंने कोटा में कोचिंग ली सर आईआईटी की, और मेरा वहां नहीं हुआ, ठीक है। पर वो कहते हैं ना सर, आपको कुछ चीजें संघर्ष से ही सीखने को मिलती है। शायद जिंदगी में एक ठोकर आप जब खाते हो तब आपको पता लगता है कि ठोकरें आपको सब कुछ सिखा देती हैं। बिल्कुल मैम। जब इंसान गिर के उठता है तो शायद वो अच्छा चलना सीख। नहीं मैम, सुनील सर राय का सर तो अपने आप में लेजेंड है। सर के लिए तो एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, जो अपने लिए जीते हैं उनका मरण होता है और जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं का स्मरण बिल्कुल होता सर, है। तो बिल्कुल सर को चैनल के माध्यम से सैल्यूट है। SBI में मैनेजर के साथ साथ मिशन एजुकेशन से फ्री बच्चों को पढ़ाने का बिल्कुल काम करते हैं। और मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जिस पर्पज के लिए ये कोटा गई थी वहां असफलता मिली लेकिन हार नहीं मानी। यही बच्चों मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो मैम, जैसे भी आपका, आपने देखा होगा टीजीटी साइंस का जो सिलेबस आया उसको पढ़कर, क्योंकि आपका साइंस बैकग्राउंड है तो जीके से कोई कनेक्शन नहीं रहा होगा,
और आपने मतलब बायो भी नहीं पढ़ी होगी इस हिसाब बिल्कुल बिल्कुल से, सर, क्योंकि उसका भी कनेक्शन नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताना। बिल्कुल। इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो ठीक है प्रदीप सर का ही थैंक यू करूंगी, क्योंकि शायद सर आज मैं यहाँ हूँ तो उसकी बहुत बहुत बड़ी वजह आप हैं, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि साइंस वालों को सर हमेशा ही जीके में दिक्कत रही है ठीक बिल्कुल है। मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ से शुरू करें, इसका कुछ खत्म भी होता है कि नहीं होता है, बट आपने सिखाया कि ये शुरू भी होती है और ये इसे खत्म भी किया जा सकता है। हमें तो लगता था जीके का मतलब है कि इसमें कोई सिलेबस नहीं होता लाइक है, प्रशांत पढ़ नहीं महासागर। सकते हैं, या फिर इसमें नंबर ही नहीं आते हैं। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वाली वीडियो है, जो 10 घंटे वाली वीडियो है, शायद मतलब उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं बिल्कुल फिर रेगुलर आपके चैनल से जुड़ी रही और शायद करके दिखाया। और वो सपना भी सर आप कहते हो ना कि सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। सोने हाँ नहीं देते। ग्रेट सोने मैम, नहीं देते। बहुत अच्छी बात है। और मैम इसके पीछे देखो मतलब जब लड़की कामयाब होती है तो उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता बिल्कुल है, और जब आपने ज्वाइनिंग के बाद जब स्टेटस लगाया, आपने दोनों परिवारों का साथ स्टेटस लगाया था, तो बड़ी खुशी होती है कि शादी के बाद है या तो लड़की मतलब अपने ससुराल में कनेक्ट हो पाती है या घर वालों से, तो उसके बारे में दो शब्द अपने परिवार वालों के लिए। सर बिल्कुल, मैं एक ही बात कहूंगी कि लड़की की अगर जड़ें मजबूत हैं तो मतलब उसका मायका अच्छा है, पर बिल्कुल अगर वो पेड़ हरा भरा है और उसके पत्ते हरे हैं खिला है तो इसका मतलब उसका ससुराल बहुत बेहद अच्छा। अच्छा है। और मेरे चेहरे की खुशी बताती है और बोलने का गर्व बताता है कि आज मैं एक ऐसे परिवार की बहू हूँ जिसमें मतलब मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ और मेरे जो कहते हैं ना साथी हैं जीवन के, उन्होंने सर इतनी मेहनत करी। एक कहते हैं ना एक सपना सर आपका होता है और बिल्कुल एक पूरे परिवार का सपना होता है, जब पूरा परिवार उसको एक सपने को पूरा करने में लग जाता है ना तो फिर वो उसका होना निश्चित हो जाता कोई है। बात है, जब दिल से चाहो तो वो शाहरुख खान वाला डायलॉग है, सारी कायनात हाँ एक हो जाती है बिल्कुल उससे मिलाने के लिए। तो इसके पीछे देख मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों को, कि पूजा मैम के जो हस्बैंड है वो खुद डॉक्टरेट है, डॉक्टर प्रदीप नाम है उनका, और वो भी क्या करते हैं मैम, थोड़ा सा डिस्क्राइब वो करोगे? पेटेंट एनालिस्ट है सर ठीक है, बिल्कुल, क्लैरिवेट एक पहले कंपनी वो है। भी टीचिंग से हाँ जी जुड़े सर, हुए वो थे। पहले टीचिंग में ही थे, मैकेनिकल लाइन से ही, एंड देन फिर उन्होंने रिसर्च में स्विच कर लिया। और लोग कहते हैं कि भाई एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता सर है, लेकिन यहाँ उल्टा लग रहा है मेरे बिल्कुल को। बिल्कुल, मैं जितना धन्यवाद करूं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लड़की के दो हाथ होते हैं, एक पिता और एक पति ठीक बिल्कुल है। मेरे पिता ने इतने संघर्ष करे, मतलब उन्होंने हर प्रकार का ताना सुना कि बेटियों को क्या पढ़ाने की जरूरत है, क्या ही करना है, आगे जाकर घर का काम ही तो करना है, पर मेरे पिता ने सपना देखा कि नहीं, मेरी बेटी घर के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन लाएगी और शिक्षा शायद एक आधार है सर बिल्कुल, तो परिवर्तन के लिए। बहुत अच्छा लगा मैम। देखो मैम के इंटरव्यू लेने का मकसद सिर्फ बच्चों आपको ये बताना था कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, एक इतिहासकार कहते थे कि परिस्थितियां कैसी भी हो संयम बनाए रखिए, परिस्थितियां कैसी भी हो संयम बनाए रखिए, 4 दिन बाज के ना उड़ने से आसमान कभी कबूतरों का नहीं होता। तो लगातार आपको मेहनत करते रहना है। देखो एक साइंस बैकग्राउंड से पहली बार जिस मकसद के लिए गए वहां असफल हो गए, लेकिन वहीं उन्होंने सफलता ढूंढी, वो साइंस जो उस टाइम आपने पढ़ी बड़ी वो इस बिल्कुल एग्जाम काम में काम आई मैम। तो बिल्कुल कोई भी आप है ना डिग्री कर रहे हो बेटा, वो वेस्ट नहीं जाएगी, आप है ना कॉन्टिन्यूस मेहनत करते रहना अपनी फील्ड में, एक दिन आपको जॉब जरूर मिलेगी। और जॉब लगने के बाद है ना, मैं आपसे और पूजा मैम से भी आज मैं डिस्कस कर रहा था कि मैम आज 2 दिन एक्सपीरियंस किया कि सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, पहले वाला अब गवर्नमेंट नहीं स्कूल नहीं रहा। तो मैंने भी मैम से, मैम बहुत पैशनेट है अपने प्रोफेशन के प्रति, और मेरे एक सर कहा करते थे मैम जिस दिन हम अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेंगे उस दिन कभी बोर नहीं होंगे। तो आई थिंक आप कभी बोर नहीं होंगे, और मैं क्योंकि हमेशा कहती हूँ कि टीचिंग कभी भी मेरे लिए ऑप्शन नहीं था बिल्कुल कि कुछ नहीं मिला तो ये कर लेते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ टीचिंग वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इट्स गोइंग टू बी माय लास्ट लास्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। ग्रेट मैम, तो मैम से मिलके बहुत खुशी हुई आज, स्टूडियो में मैम का आना हुआ मिलना हुआ।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैम से, आपको भी सीखना चाहिए, और स्पेशली मैं उन लड़कियों को कहना चाहता हूँ कि जो हार मान लेती है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, आप अपने ड्रीम के पीछे भागिए, एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और लगातार मेहनत, मेहनत का रास्ता आपको चूज करना है। तो सभी ऑडियंस को मैम अंतिम चार शब्द कुछ कहना चाहे कि, क्योंकि आजकल हरियाणा में आपको पता है भर्तियां बहुत लेट होती है, इन मौके पे आगे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, तो इन बिटवीन वो कैसे पढ़ाई पर फोकस करें, मैम थोड़ा सा मैं बताना चाहो। बच्चों यही कहना चाहूंगी कि हार नहीं मानना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी जॉब निश्चिंत है। आपको बस लगे रहना है, कॉन्टिन्यूअस लगे रहना है। मैं ऐसे बैकग्राउंड से थी, मेरा फिजिक्स था जबकि टीजीटी साइंस में बायो आना था। मैंने इतनी मतलब ज्यादा, आप मान नहीं सकते, मैंने 18 18 घंटे बैठकर, और मैं परिवारजनों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी बेटी है, आपकी बहू है, या जो कोई भी है जो तैयारी कर रहा है, आपका भी पूरा पूरा फर्ज बनता है कि आप लग जाओ। सबका सपना जब एक होगा, तब हम सब मिलकर इस समाज में तरक्की ला पाएंगे और सुधार ला पाएंगे। क्योंकि जब एक बच्चा कामयाब होता है तो वो चार और लोगों को कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाता है। तो अंत में मैम बहुत अच्छा साइंस पढ़ाते हैं, मैम का चैनल भी एनपी के। हाँ एनकेपी क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। एन का मतलब होता है नर्चर, मतलब सींचना, के का मतलब होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान, और पी का मतलब है पूजा विष्णु। आप मेरे साथ जितना मुझे ज्ञान है, मैं उससे आपको सींचूंगी जरूर, जैसे हम एक पौधे को पानी देकर सींचते। तो बच्चों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन मैम का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, आपको बहुत ज्यादा साइंस में एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि हरियाणा में अभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम होना है और साइंस का अलग से वेटेज दिया हुआ है, तो मैम आपको जरूर हेल्प करेगी। और मैम आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को, मैं आने वाले टाइम में आपके स्कूल में विजिट करूंगा, तो बिल्कुल वहां बिल्कुल, मैं बच्चों को पहुंच गया। बहुत ऐसे मतलब टैलेंट निखारना है हमें, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक हमारे ये कम्युनिटी होती है टीचर की, हम मिलके बिल्कुल समाज में बिल्कुल जरूर बिल्कुल, बदलाव लाएंगे। एक जने से बदलाव शुरू होता है सर। बिल्कुल बदलाव आता तभी है जब हम सब साथ मिलकर उस बिल्कुल, बदलाव पर काम अकेले करें। चलते हैं एक दिन कारवा हमारे साथ होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार सफलता की ओर अग्रसर रहने के लिए मेहनत रूपी रास्ता कभी मत छोड़ना। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट।